Good morning, students. Let's today start with your some of the important numericals related to your reflection. These numerical have came in your board exams also, and they can come in your board exam in future also. So let's discuss these some of the important questions. Aapka sabse pehla question hai. Ab इससे पहले न्यूमेरिकल शुरू करूं, बस आपके फॉर्मूलेज में एक बार आपके दिमाग में जल्दी से रिकैप कराता हूं. सबसे पहला फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू R डिवाइड बाय 2, R बाय 2. ये होता है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. दूसरा होता है मिरर फॉर्मूला, 1 बाय F इक्वल टू 1 बाय V प्लस 1 बाय U. यहाँ पर F फोकल लेंथ, V इमेज डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब इसमें बीच में प्लस साइन क्यों आता है उसका रिलेशन हमें पता है, बिकॉज एम फॉर मिरर, एम फॉर मोर, मोर मतलब ज़्यादा, मतलब प्लस. तो थर्ड फॉर्मूला होता है आपका मैग्नीफिकेशन का, एम इक्वल्स टू एच डैश डिवाइड बाय एच इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाय यू. थर्ड फॉर्मूला आपका ये होता है. तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे. एंड नेक्स्ट आपको याद रखना है दो टेक्निक जो मैंने एक न्यूमेरिकल्स की आपको सिखाई थी पहले, तो उसको दिमाग में रखो. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट योर न्यूमेरिकल्स. आपका पहला क्वेश्चन है, अ 10 mm लॉन्ग ऑल पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर. तो लाइन टू लाइन इंफॉर्मेशन उठाएंगे. सबसे पहला है आपका अ 10 mm लॉन्ग ऑल पिन. आपकी ऑल पिन होती है ना, वो 10 mm लॉन्ग है. लॉन्ग मतलब उसकी हाइट गिवन है. तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, h, कितना गिवन है, 10 mm. अब ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर बनता है तो हाइट आएगी प्लस में. अब आपको याद होना चाहिए mm और सेंटीमीटर में रिलेशन, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये mm में गिवन है और आगे सारी चीज़ें आपकी SI यूनिट सेंटीमीटर वगैरह में गिवन होगी. तो mm को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, एक सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm, हमेशा याद रखना. तो यहाँ पर 10 mm क्या बन जाएगा आपका, 1 cm. इसके बाद गिवन है इज़ प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर के फ्रंट में गिवन है, तो आप क्या करोगे, एक छोटा सा कॉनकेव मिरर बना लोगे. कैसे, देखो एक, यू कैन सी, आप हमेशा पेंसिल से साइड में एक छोटा सा कॉनकेव मिरर बना लोगे. इससे फ़ायदा क्या होगा, अब आपको पता होगा कि इसकी हर चीज़ लेफ्ट में है, तो फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो इसमें आपको हेल्प हो जाएगी काफ़ी. तो आपने एक डायग्राम बना लिया कॉनकेव मिरर का छोटा सा. अब आगे क्या गिवन आपको, अ 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ ऑल पिन इज फॉर्म्ड. तो आपको एच डैश गिवन है, कितना गिवन है, 5 mm. अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अब इसका आपको अभी पता नहीं है, अब ये आगे हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा हमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है. पर आपको पता होना चाहिए कॉनकेव मिरर में जब वर्टिकल इमेज फॉर्म होती है उस केस में वो मैग्नीफाइड बनती है, पर ये इमेज छोटी है इसका मतलब इन्वर्टेड ही होगी. तो आपकी इमेज कैसी होगी, माइनस साइन की. अब माइनस 5 mm, mm को सेंटीमीटर में करोगे तो आपका बन जाएगा 0.5 cm, या आप लिख सकते हो माइनस 1/2 cm. नेक्स्ट आपको गिवन है अ 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ ऑल पिन इज फॉर्म्ड एट 30 cm इन फ्रंट ऑफ मिरर. मिरर के फ्रंट में 30 cm पे फॉर्म हो रही है, तो आपको क्या गिवन है, इमेज की डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस गिवन है वी, और इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो लेफ्ट साइड में है, तो आपका वी क्या होगा, माइनस 30 cm. क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, तो भैया आपने देख लिया एच गिवन आपको, एच डैश गिवन आपको, वी गिवन आपको. अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, फोकल लेंथ निकालनी है, एफ आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया. पहले आप सारे फॉर्मूले लिख लो, 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू, एफ इक्वल्स टू आर बाय 2, एंड मैग्नीफिकेशन इज एच डैश डिवाइड बाय एच इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू. अब देखते हैं क्या हमारा निकलेगा या नहीं. तो हमें एफ निकालना है. अब एफ आपके दो फॉर्मूले में आता है, एफ आपके दो फॉर्मूले में आता है, एक तो आता है आपका मिरर फॉर्मूले में, एक आता है एफ इक्वल टू आर बाई टू में. क्या हमें आर गिवन है, नहीं, इसका मतलब ये फॉर्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते. तो हम यूज़ करेंगे 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू. हमें एफ निकालना है, वी हमारे पास है, यू हमें चाहिएगा पहले, तो हमें यू की ज़रूरत है. और यू कैसे निकलेगा, अब देखो हमें और चीज़ें भी गिवन है, हाइट वगैरह, और हाइट वगैरह किस फॉर्मूले में होती है, मैग्नीफिकेशन के, और मैग्नीफिकेशन होता है एच डैश डिवाइड बाई एच इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू.
और ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। तो आप सबसे पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला उठा लो, वहाँ से यू निकाल लो, और जब यू निकल जाएगा उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देना, मिरर फॉर्मूले में आपका एफ निकल जाएगा। तो आपको एच डैश बाई एच इक्वल्स टू माइनस वी अपोन यू, एच डैश गिवन है माइनस 0.5, एच गिवन है 1, माइनस अब वी गिवन आपको माइनस 30 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ध्यान से लिखना, दो बार माइनस आएगा, एक तो माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले का और एक माइनस का क्योंकि वी माइनस का है, और यू आ जाएगा आपका जो अननोन है। तो यू निकल जाएगा आपका कैलकुलेट करके 60 सेंटीमीटर माइनस साइन के साथ। अब आप मिरर फॉर्मूले में पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, यू विल गेट योर आंसर। और फोकल लेंथ कैसी आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में सब कुछ लेफ्ट में होता है, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वो आपका आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दैट इज, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल साइज। वो कह रहा है किस केस में आपका कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट से लार्जर साइज, मतलब मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, सीधा से ये पूछ रहा है। तो देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ऑब्जेक्ट को आप जब सी पे रख दोगे, जब आप ऑब्जेक्ट सी पे रखते हो तो इमेज भी सी पे बनती है, सेम साइज की बनती है, लार्जर नहीं बनती। सेकंड देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ से कम, इसका मतलब फोकस और पोल के बीच में, और हाँ इस केस में हमारी इमेज मैग्नीफाइड ही बनती है क्योंकि लास्ट केस है जब इमेज वर्चुअल बनती है आपकी और मिरर के बियॉन्ड बनती है। तो बी पार्ट तो करेक्ट है। उसके बाद देखिए क्या और भी कोई है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हाँ, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता तब तो सी पे ही बनती है इमेज, पर जैसे अगला जंप करता है ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आता है, तो इमेज कहाँ बनती है? बियॉन्ड सी, और उसका साइज भी लार्जर होता है। इसका मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट है। डी देखो, वैन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है सी के पीछे ऑब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे होता है तो इमेज कहाँ बनती है हमारी? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये पॉसिबल नहीं है। एक बार मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ। लुक, यू कैन सी किस केस में मैग्नीफाइड बन रही है। पहले में बन रही है? नहीं। दूसरे में? नहीं। तीसरे में? नहीं। जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट आता है एक तो तब बनती है, और दूसरा बनती है जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होता है। ठीक है, सो हमारा इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड में आते हैं, वहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। जो रियर व्यू मिरर कौन सा होता है? कॉनवेक्स मिरर होता है, ये हमें पता है। उसकी मैग्निफिकेशन क्या होती है? इज लेस देन वन, क्या लेस देन वन होती है? इज मोर देन वन, इज इक्वल टू वन, और कैन बी मोर देन और लेस देन वन डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कॉनवेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। डिमिनिश्ड का मतलब हमेशा मैग्निफिकेशन लेस देन वन होगी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? इट विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो एक छोटा सा कॉनकेव मिरर बना लो। अब देखो, रेज सन से आ रही है, सन से आ रही है तो इसका मतलब पैरेलल रेज है, और पैरेलल रेज जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज होती है वो कहाँ मीट करती है? फोकस पे मीट करती है। इसका मतलब ये 50 सेंटीमीटर क्या गिवन है आपको? फोकल लेंथ गिवन है कॉनकेव मिरर की। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। अब वो आपसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम हो जाए। अब आपको पता है सिर्फ एक ही केस में ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होता है, वो होता है जब ऑब्जेक्ट रखा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब आपको फोकल लेंथ पता चल गई 15 सेंटीमीटर, तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने डिस्टेंस पे होगा? 30 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखूंगा तो मेरी इमेज भी क्या बनेगी? सेम साइज की बनेगी एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन चेक करो, पहला है 15, दूसरा है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो यही हमारा ऑप्शन है। आगे के ऑप्शन देखो, 15 और 30 के बीच में, मोर देन 30, इन केसेस में किसी में भी नहीं बननी। किस में बनेगी? बी ऑप्शन के केस में। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली सीन बाय यूजिंग। आपको एक बिल्डिंग है बहुत दूर है, उसकी आपको पूरी लेंथ की इमेज चाहिए, फुल लेंथ इमेज, वो आप किससे देखोगे? आपके ऑप्शन है कॉनकेव मिरर, कॉनवेक्स मिरर, प्लेन मिरर,
बोथ कॉनकेव एज वेल एज प्लेन मिरर। अब इस क्वेश्चन में कई बार बच्चा गलती कर जाता है, उसने याद रखना ऑब्जेक्ट की फुल लेंथ इमेज पूछी है। फुल लेंथ मतलब बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है आपकी, कई मीटर की, 50-60 मीटर तक की बिल्डिंग्स होती है, उसको पूरे को आपको एक छोटे से मिरर में देखना है। तो ऐसा कौन सा मिरर है जो बहुत बड़ी चीज़ की भी छोटी सी इमेज बनाता है और सीधी बनाता है? वो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कई बच्चे इसका प्लेन मिरर भी आंसर सोचते हैं, पर हमेशा दिमाग में क्लियर रहे, प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाता है वो सेम साइज़ की बनाता है। और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ बिल्डिंग है जिसकी हाइट 50 मीटर तक भी होती है, 60 तक होती है, 100 मीटर तक होती है, तो 100 मीटर लंबा मिरर आप कहाँ से लेके आओगे? तो आप कौन सा मिरर यूज़ करोगे इसमें? कॉनवेक्स मिरर। तो आपका ऑप्शन बी होगा इसमें। ठीक है, गलत मत कर देना इसमें, डी तो पॉसिबल ही नहीं था। कॉनकेव मिरर तो बहुत पास लाना पड़ता है बिल्डिंग को जब बनती, और उसके लिए बहुत बड़ा मिरर चाहिए होता हमें। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 12। इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड हेड लाइट्स ऑफ अ व्हीकल, द बल्ब इज प्लेस्ड, बल्ब को कहाँ रखा जाता है? अब आपको पता है टॉर्चेस, सर्च लाइट और हेड लाइट्स में सबसे पहले कौन सा मिरर यूज़ होता है? अब आपको पता है आपको सर्च करना चीज़ों को, इसका मतलब लाइट को आपको दूर तक फेंकना है एक डायरेक्शन में, और इसके लिए आपको ऐसी मिरर चाहिए जो लाइट को कन्वर्ज कर सके, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेंक सके, और वो होता है आपका कॉनकेव मिरर। ये तो पक्का हो गया कि भाई मिरर यूज़ होगा कॉनकेव। अब उसको रखेगा, अब थोड़ा सा एक बार देखो, कभी भी रेज जब पैरेलल होती है प्रिंसिपल फोकस के, तो वो कहाँ मीट करती है? फोकस पे। अगर रेज फोकस से निकले तो कहाँ मीट करेगी? इन्फिनिटी पे जाके। इसका मतलब अगर मैंने ऑब्जेक्ट हमारा फोकस के पास रखा है या फोकस पे रखा है, तो मेरी सारी की सारी रेज कहाँ जाएगी? इन्फिनिटी पे, और एक पैरेलल होके जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। यही तो टॉर्च में होता है। इसका मतलब मेरे को कहाँ रखना पड़ेगा? ऑप्शन ए में देखो, बिटवीन द पोल एंड फोकस, नहीं, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। तो आपका आंसर बनेगा बी। तो आपका आंसर गिवन है, इन टॉर्चेज एंड सर लाइट्स एंड हेड लाइट्स, द बल्ब इज प्लेस्ड वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, सो दैट लेज आफ्टर फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड वी गेट अ कॉन्सेंट्रेटेड बीम ऑफ लाइट। कॉन्सेंट्रेटेड बीम मतलब एक ही डायरेक्शन में सारी रेज जा रही है। तो हमेशा याद रखना, आपकी टॉर्चेस सर्च लाइट में आपका जो बल्ब होता है वो कहाँ होता है? फोकस पे होता है, या फोकस के नज़दीक कह सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए करेक्ट होते हैं, वैलिड होते हैं? प्लेन मिरर के लिए खाली, कॉनकेव मिरर के लिए खाली, कॉन्वेक्स मिरर के लिए खाली, या हर साइज हर टाइप के मिरर के लिए? तो याद रखना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर टाइप के मिरर के लिए लागू होते हैं। ये डिपेंड नहीं करता वो प्लेन है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, कैसा है। ठीक है, तो योर आंसर इज डी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर शोन असाइड। अब आपको देखो, क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में बोर्ड में इस टाइप के भी आते हैं। अब आपको एक रे गिवन है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अब आपको पता है वो कैसे पास करेगी, इट विल पास थ्रू फोकस। तो आपको नीचे चार ऑप्शन गिवन है, तो देखो इनमें से कौन सा पॉसिबल है। ऑप्शन ए, नहीं, फोकस से पास नहीं कर रही। ऑप्शन टू, 2F से पास कर रही है, 2F मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी करेक्ट नहीं है। सी भी करेक्ट नहीं है। डी देखो, पैरेलल विल पासिंग थ्रू फोकस, पास कर रही है फोकस, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर, मैजिक मिरर के फ्रंट में खड़ा है वो, शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, उसकी जो हेड की इमेज है वो उसे बड़ी दिख रही है, बहुत बड़ी। द मिडल पोर्शन ऑफ हर बॉडी एज द सेम साइज, मिडल पोर्शन सेम साइज का दिख रहा है, एंड द लेंथ ऑफ द एंड डेट ऑफ द लेग्स स्मॉलर, लेग्स उसे छोटी दिख रही है अपनी। तो आपको बताना है कि द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मैजिक मिरर फ्रॉम द टॉप। टॉप से आपको बताना है कि आपके मैजिक मिरर किस तरह से लग गया। मैजिक मिरर आपका होता है मिरर्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है, मतलब उसमें किसी एरिया में प्लेन मिरर होगा, किसी एरिया में कॉन्वेक्स होगा, किसी एरिया में कॉनकेव होगा, ताकि आपको आपकी बॉडी थोड़ी सी अजीब सी दिखे जब आप उसमें इमेज देखो अपनी। कहीं से आपको आपका मुंह पतला दिखेगा, कहीं से आपको आपकी टांगे मोटी दिखेगी, वो होता है मैजिक मिरर। तो अब ऑर्डर देखते हैं, सबसे पहले देखो हेड आपको बड़ा दिख रहा है, बड़ा
बड़ा दिख रहा है और सीधा दिख रहा है, इसका मतलब उसने कहीं भी नहीं बोला कि हेड उल्टा दिख रहा है। तो हेड आपको आपका सीधा दिख रहा है और बड़ा दिख रहा है, ये सिर्फ एक ही मिरर के केस में है, क्योंकि प्लेन मिरर तो सेम साइज़ का बनाएगा और आपका कॉन्वेक्स मिरर छोटा बनाएगा। इसका मतलब सबसे ऊपर कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर। अब अगर आप ऑप्शंस देखो ना, वैसे स्मार्ट बच्चा होगा तो ऑप्शंस देखेगा, ऑप्शन सी में ही कॉनकेव मिरर है, पर फिर भी एक बार पूरा देखते हैं। उसके बाद मिडल पोर्शन में आपको सेम साइज़ दिख रहा है, और सेम साइज़ दिखता है हमेशा प्लेन मिरर में, इसका मतलब सेकंड मिरर है प्लेन। थर्ड देखो, लेग्स आपको छोटी दिख रही है, छोटी दिख रही है, छोटा एक ही मिरर में दिखती है लेग्स। देखो कॉनकेव में भी दिखती है, पर कॉनकेव में उल्टी दिखती है वो छोटी जो होती है, हमें सीधी दिख रही है, और सीधी कॉन्वेक्स मिरर ही बनाता है। इसका मतलब सबसे ऊपर कॉनकेव है, फिर प्लेन मिरर है, और फिर कॉन्वेक्स मिरर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इज, दिस क्वेश्चन इज, अंडर व्हाट कंडीशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेन मिरर इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर वॉट एवर मे बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस शो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। वो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्लेन मिरर दे दिए किसी ने आपको, और उसने कहा कि मैं किसी भी एंगल पे इंसिडेंट रे फेंकू, किसी भी एंगल पे, तो जो मेरी फाइनल मुझे मुझे रे मिलेगी ना, रिफ्लेक्टेड रे, वो मुझे पैरेलल मिलेगी इंसिडेंट रे के, तो मुझे इन मिरर्स को इस तरह से अरेंज करके दिखाओ। तो भाई बच्चे ने ट्राई किया, किसी ने मिरर्स को आपस में एक दूसरे से लगा के एंगल एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे, 40 डिग्री एंगल पे मिलाया, रे फेंकी, तो रे किसी भी एंगल पे पैरेलल नहीं आ रही थी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड के, पर एक एंगल था 90 डिग्री। जैसे दोनों मिरर को एक दूसरे के 90 डिग्री पे रखा, तो जो भी इंसिडेंट रे थी वो रिफ्लेक्ट हुई, दूसरे मिरर पे जाके लगी, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और वापस आ गई, तो जो इंसिडेंट रे थी और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे थी वो एक दूसरे के पैरेलल मिली। इसका मतलब इफ़ वी प्लेस टू प्लेन मिरर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर। ये अरेंजमेंट फिगर में आपको गिवन है, देखो, सॉरी, हाँ, हेयर यू कैन सी इट इज गिवन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी न्यूमेरिकल है एक, साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ प्लेन मिरर, सॉरी बाय अ मिरर, अब आपको मिरर नहीं बताया कौन सा है, प्लेन है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो उसने कहा है साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ आप लिख दोगे 20 सेंटीमीटर, आपको नहीं पता पॉजिटिव है नेगेटिव है, अभी तक हमें ये सीक्रेट नहीं खुला है क्योंकि उसने कोई हिंट नहीं दिया। इज़ ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इस साइज। उसने कहा है जो इमेज है ना वो 1/3 हो गई है साइज में। अब बच्चा एकदम से भागा भागा आएगा, कहेगा ये तो सर कॉन्वेक्स मिरर है। नहीं भाई, कॉनकेव भी तो हो सकता है, बिकॉज उसने अभी तक ये नहीं बताया इमेज सीधी बन रही है उल्टी बन रही है, उसने बस ये बोल रहा है इमेज का साइज कम हो गया जो बन रही है, तो अभी तक हमें नहीं पता, पर हमें ये पता चल गया मैग्नीफिकेशन कितनी है, 1/3 मैग्नीफिकेशन का पता चल गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, एट वॉट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखेंगे, यू निकालना है। और दूसरा पूछा है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज एंड द मिरर, मिरर कैसा होगा। अब एक बात याद रखो, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसमें आपको दोनों केसेस लेने पड़ेंगे, मिरर आपका कॉन्वेक्स भी हो सकता है, मिरर आपका कॉनकेव भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के केस में छोटी इमेज बनती है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि मेरा मिरर है कॉनकेव मिरर, ठीक है, तो मैंने मान लिया इफ़ द मिरर इज़ कॉनकेव तो हमारी इमेज कैसी बनती है, द इमेज फॉर्मड इज रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनती है तभी वो छोटी होती है, तो आपकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो सब कुछ लेफ्ट में, फोकल लेंथ इज -20, आपकी मैग्निफिकेशन क्या बनेगी -1/3। माइनस क्यों आया, बिकॉज कॉनकेव मिरर जब छोटी इमेज बनाता है तो वो उल्टी होती है, और उल्टी के लिए मैग्नीफिकेशन होता है माइनस, तो -1/3 आ गया। अब आपको यू निकालना है, अब यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, अब आप फॉर्मूले लिखोगे 1/f=1/v+1/u लिख दोगे, उसके बाद सेकेंड लिख दोगे मैग्नीफिकेशन इज h-h=-v/u, थर्ड लिख दो f=r/2। अब देखो आपको यू चाहिए, क्या मिरर फॉर्मूला यूज़ करोगे, नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वी नहीं है, एफ तो है, यू आपको निकालना है, वी नहीं है आपके पास, नहीं यूज़ कर सकते। मैग्नीफिकेशन का देखो h-h=-v/u
मैग्निफिकेशन एम गिवन है आपको, एच डैश बाय एच तो गिवन नहीं है, पर वी अपॉन यू उसमें आपको क्या गिवन है, ना आपको वी गिवन ना यू गिवन, आप फिर से फंस गए भाई, ये भी नहीं हो रहा, तो आप आगे क्या करोगे। तो ये वो क्वेश्चन है जिस केस में आपको मैथमेटिक्स की तरह करना है। मैथमेटिक्स क्या बोलती है, अगर आपको दो चीज़ें अननोन हो, यहाँ पे वी भी अननोन है यू भी अननोन है, तो एक चीज़ को दूसरे की टर्म्स में निकाल लो और वैल्यू पुट कर दो, तो आपको यहाँ पे यू निकालना है, तो आपको वी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो एक काम करो, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से वी निकाल लो। तो मैग्निफिकेशन थी आपकी कितनी थी, माइनस वन बाय थ्री, और उस तरफ था आपका माइनस वी अपॉन यू, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो वी कितना आ जाएगा आपका, u बाय थ्री टाइम्स। बिल्कुल देखो ये आ गया। अब आप ये v की वैल्यू मिरर फॉर्मूले में पुट करो, देखो वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय वी प्लस वन बाय यू, एफ है आपका माइनस ट्वेंटी, वी है आपका u बाय थ्री, तो पुट करोगे तो रेसिप्रोकल होके थ्री बाय यू बन जाएगा, प्लस में वन बाय यू। अब देखो सिर्फ u रह गया, अब क्या करोगे, थ्री बाय यू प्लस वन बाय यू क्या बन जाएगा, फोर बाय यू, तो u कितना बन जाएगा आपका, माइनस 80 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ गया आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर बोर्ड में आता तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कई बार इसको सॉल्व करना। कर लोगे आप इसको सॉल्व, तो u आ चुका है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है इसमें, नेचर ऑफ द इमेज, इमेज कैसी बनेगी। फॉर श्योर इमेज आपकी कैसी बनने वाली है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद आपको बताना है कॉन्वेक्स मिरर का केस लेंगे। अब कॉन्वेक्स मिरर लोगे, कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है, फोकल लेंथ इस बार हो जाएगी प्लस 20, मैग्नीफिकेशन हो जाएगी प्लस 1/3 बिकॉज इमेज ऊपर बनती है। फिर से वही करोगे, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करोगे, वहाँ से वी की वैल्यू निकालोगे। अब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो वी आएगा आपका माइनस यू बाई थ्री, आ गया। अब फिर से मिरर फॉर्मूला में पुट करोगे तो देखो इस बार आपका यू अलग आया है, माइनस 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपका u माइनस 40 आ रहा है, पहले में आ रहा था माइनस 80, तो दोनों डिफरेंट केसेस है, दोनों आपको बोर्ड में करके दिखाने पड़ेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स में भी आ चुका है। हाँ 12th में भी तो आपका लाइट चैप्टर दोबारा आएगा, तो देख लो 12th के बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस टाइप का। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके भी पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है क्या, पूछा जा चुका है पहले, ये आपकी बोर्ड की जो बुक है वहाँ से ही निकाले थे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज आपको बताना है। तो देखो रियल वर्चुअल, रियल इमेज, तो भाई रियल इमेज तभी बनती है जब आपकी लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही हो, वर्चुअल तब बनती है जब लाइट रेज आपकी एक्चुअली मीट ना कर रही हो। तो आप लिखोगे रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रेज, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द व्हेन लाइट रेज आर नॉट मीटिंग एक्चुअली। सेकंड होता है आपका रियल इमेज को आप स्क्रीन पे ले जा सकते हो, रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जो रियल चीज़ है वो स्क्रीन पे ले जाई जा सकती है बिल्कुल। वर्चुअल कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, आप स्क्रीन पे नहीं ले जा सकते। अब रियल इमेज कौन बनाता है, रियल इमेज आपका बनाता है कॉनकेव मिरर के केस में आपकी बनती है रियल इमेज। वर्चुअल कौन बनाता है आपका, कॉनवेक्स मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कॉनवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर करके लिखा है, आप कॉनवेक्स कॉनकेव करके भी लिख सकते हो। तो ये दो तीन डिफरेंस आपको एटलीस्ट दो तो याद रखने, क्योंकि दो मार्क्स में पेपर में आ सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट टू पोजिशन इन विच अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेज अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लिस्ट टू डिफरेंसेज बिटवीन द टू इमेजेस। देखो क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा, अभी ऊपर ये क्वेश्चन आया था आपका एमसीक्यू की टर्म्स में, तो आपको पता है कि कॉनकेव मिरर कब बनाता है इमेज मैग्नीफाइड, एक तो बनाता है जब आपका ऑब्जेक्ट होता है पोल और फोकस के बीच में, और एक बनाता है जब आपका ऑब्जेक्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब आपको ये भी बताना है साथ साथ जो इमेजेस बनेगी उनमें डिफरेंस क्या होगा। तो देखो सबसे पहला डिफरेंस, जो इमेज फॉर्म होती है जब आपका ऑब्जेक्ट होता है पोल और फोकस के बीच में, उस केस में आपकी इमेज फॉर्म होती है कहाँ, बिहाइंड द मिरर, और सेकंड केस में आपकी इमेज फॉर्म होगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब
दूसरा डिफरेंस, फर्स्ट केस में जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा आपकी इमेज फॉर्म होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेकंड केस में आपकी इमेज उल्टी होती है, कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज जाते हैं, तो थोड़ा याद रखना इसको। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर हाई, तो लिख दोगे आप सीधा एच कितना गिवन आपको, 6 सेंटीमीटर प्लस का आएगा। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर रखा है, तो यू कितना है, -10 सेंटीमीटर, हमेशा माइनस होता है। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, तो क्या बना दोगे, एक छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे ये राइट साइड में है कॉन्वेक्स मिरर आपका, तो एक छोटा सा कॉन्वेक्स। अब आपको पता है हर चीज़ राइट में है, इसका मतलब क्या बनेगा आपका, आपकी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होने वाले हैं। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, तो आर आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर प्लस का। क्वेश्चन है फाइंड द पोजिशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, वी निकालने को बोला आपको, उसके बाद इमेज का नेचर बताओ और साइज बताओ। अब नेचर तो आपको पहले से पता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इसका आंसर तो आप पहले ही लिख सकते हो, और डिमिनिज्ड बनाता है। आपको अब दो चीज़ें निकालनी है, पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज, पोजिशन मतलब वी, साइज ऑफ इमेज मतलब एच डैश। तो आप सबसे पहले फॉर्मूले लिखोगे 1/f = 1/v + 1/u, दूसरा मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू एच डैश बाय एच इक्वल टू -v/u, एंड थर्ड इक्वल टू f = r/2। अब आपको निकालना है भाई सबसे पहले वी, वी निकालना है, यू आपको गिवन है, एफ एफ नहीं है आपके पास, पर आपके पास आर है, तो आर का यूज करके आप एफ निकाल लोगे, तो एफ क्या बनेगा आपका, r/2, तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका एफ। इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्यूशन है, पर आप अपने तरीके से करो, एफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 सेंटीमीटर। आप मिरर फॉर्मूले में पुट करोगे एफ की वैल्यू, यू की वैल्यू, सॉल्व करोगे इसको जैसे मैथमेटिक्स में नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एलसीएम बड़ा ध्यान से लेना, यू विल गेट योर आंसर v = +6 सेंटीमीटर। +6 आया, देखो +6 का मतलब राइट साइड में है, ठीक है, और वही होता है कॉन्वेक्स में राइट साइड में बनती है इमेज। नेक्स्ट निकालना आपको साइज ऑफ इमेज, साइज किससे निकलता है, साइज हमेशा निकलता है मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से, तो आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पुट करोगे, वो होता है h'/h = -v/u। अब m आपको गिवन नहीं है, पर एच डैश आपको निकालना है, एच आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, वहाँ पे माइनस वी, वी की वैल्यू अभी निकाली है 6 सेंटीमीटर, यू की आपको गिवन है -10, तो आप सारी वैल्यूज पुट करोगे, तो h'/h = -v/u में वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर 3.6 सेंटीमीटर, और नेचर हमने पहले ही निकाल लिया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सो डू रिवाइज देम एंड नोट डाउन इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।